ऐसी कौन सी कमी है जो सब इंसानों में है और वो मानने को तैयार भी नहीं होते। सब इंसान ये मान दें कि हम बहुत लॉजिकल हैं और हम सारे डिसीजन सब चीजों पे लॉजिक से और रीजनिंग से पहुंचते, किससे भी आप बात कर लें। और अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली, ये थोड़ी देर में समझ में आएगा, सच्चाई ये है कि हम रिलाय करते हैं याद रखने पे। मेमोराइजिंग इज व्हाट वी यूज मोस्ट ऑफ द टाइम्स, एंड व्हाट वी थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम्स इज कि हम लॉजिकली इस कंक्लूजन तक पहुंचे, जबकि सच्चाई ये है कि मैक्सिमम समय हम लोग चीजों तक पहुंचते हैं याददाश्त से। इस चीज पे सबसे जबरदस्त काम जिन्होंने किया है उनका नाम है डैनियल कैनमैन, जिन्हें इकोनॉमिक साइंसेस के लिए नोबेल प्राइज भी मिला था, और उन बड़ी फेमस किताब भी उनकी थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, बहुत शानदार किताब है, कभी आप पढ़ने का टाइम मिले, काफ़ी मोटी किताब है, थोड़ी सी टफ भी है, तो पता नहीं आपके पास टाइम मिले ना मिले, तो उसमें से कुछ छोटा सा पार्ट जो अपने काम का है वो मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। उन्होंने बहुत सारे तरीके से इसको डिस्कस किया है। तो देखिए, जो वो बताते हैं वो ये है कि हमारे पास दो प्रोसेसेस हैं सोचने के, एक फास्ट प्रोसेस, एक स्लो प्रोसेस। जो फास्ट प्रोसेस है वो क्या करता है, जैसे ही कोई भी नई सिचुएशन देखता है वो बहुत सारे लॉजिक कट करेगा, बहुत सारी चीजों को ऑल्टर करेगा ताकि आप जल्दी से कंक्लूजन तक पहुंच सके और क्विक डिसीजन ले सके। स्लो प्रोसेस जो होता है वो क्या करता है, वो जो चीजें सामने दिख रही हैं, वो जो नहीं दिख रही हैं, हिडन हो सकती है, उनको भी अकाउंट में लेने की कोशिश करता है। जो भी आपसे पूछा जा रहा है उस चीज को आप एग्जैक्टली वैसा का वैसा ही समझें, उसको क्रॉस क्वेश्चन करता है कि भाई ये जो पूछा जा रहा है कहीं ये तो नहीं है, कहीं वो तो नहीं है, कहीं मैं गलत तो नहीं समझ रहा हूं। दैट इज ए स्लो प्रोसेस। तो इस तरह के दो प्रोसेस हैं जिन पे हम रिलाय करते हैं जीवन के लिए। इंटरेस्टिंगली, मैक्सिमम ह्यूमन इवोल्यूशन जो हुआ है वो ऐसी परिस्थितियों में हुआ है जहां पर फास्ट जो सोच पा रहे थे वही सरवाइव किए। इस विषय में सोचिएगा क्यों, क्योंकि मैक्सिमम ह्यूमन इवोल्यूशन डेंजरस परिस्थितियों में हुआ है, जब इंसान प्रीहिस्टोरिक ह्यूमंस ग्रासलैंड्स में, सवाना में, अफ्रीका में भटक रहे थे, जहां पे बड़े खतरे थे, शेर, चीते, जंगल जानवर, उन सब से भी बचना है। उन परिस्थितियों में ह्यूमन बीइंग्स इवॉल्व हुए। उन परिस्थितियों में, थोड़ा समझिएगा इस बात को, उन परिस्थितियों में यदि बैठ के जब सामने थोड़ी दूरी पर दिख रहा है कि घास हिल रही है, अब दो तरीके हैं कि थोड़ी दूरी पर दिख रहा है घास हिल रही है तो एक तो मैं कैलकुलेट करूं घास किस फ्रिक्वेंसी से हिल रही है, क्या एम्पलीट्यूड है, कितनी दूरी पर है, किस हाइट तक हिल रही है, और उस बेसिस पर डिसीजन लूं कि उस तरफ टाइगर होने की प्रोबेबिलिटी, लायर होने की प्रोबेबिलिटी, कोई भी जंगली जानवर खतरनाक होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, या हिरण होने की प्रोबेबिलिटी कितनी कि शिकार कर सकूं, या बच के निकल लूं, क्योंकि मुझे तो लग रहा है जब भी पिछली बार ऐसे हिला था तो उधर चीता निकला था। राइट, तो ऑब्वियसली लो प्रोबेबिलिटी भले ही हो, परंतु जिन्होंने भी थोड़ी सी भी गड़बड़ कैलकुलेशन करी होगी कि नहीं, वहां हिरण है और आगे बढ़े, और जिन्होंने सोचा होगा, उनके बचने के चांसेस कम थे। ऐसा नहीं था कि ह्यूमन बीइंग्स हमेशा से इसी तरह के रहे होंगे कि जिस डर कुछ भी चीज दिखे तो निकल लो, लेकिन उस जमाने में सर्वाइवल के चांस उन्हीं लोगों के ज्यादा थे। खतरे इतने ज्यादा थे कि जिन लोगों ने याद कर लिया यार जब भी खतरा दिखे बच के निकल लो, वो लोग तो बच गए।
और जिन लोगों ने करी कैलकुलेशंस वो लोग शायद बचे ही नहीं, और बचे ही नहीं तो उनके जीन्स या जो लोग का स्टैंडर्ड ये था कि यार जब भी कोई चीज आए तो पहले सोचेंगे, वो जीन्स बहुत ज़्यादा आगे ट्रांसफर ही नहीं हुए। इसी का एक और उदाहरण है, इसका एक और उदाहरण है कि हमको खाने में वो चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती है जो अब हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। ध्यान दीजिएगा मैंने क्या कहा, अब, जैसे कि समोसे, मिठाइयाँ, ये सब हमें खाने में बहुत अच्छा लगता है, पिज्ज़ा, क्यों अच्छा लगता है? जेनेटिकली कुछ ना कुछ रीज़न रहा होगा। ऐसे नहीं होता कि लोग कहते कि नहीं बच्चों को ये अच्छा लगता है, हम तो पालक खा लेते हैं। जो भी आपको ये कहता है बच्चों को कि जी हमें तो पालक बहुत पसंद है और हमें समोसा पसंद नहीं है, उनके बचपन में जाके देखना, वो भी समोसा और पिज्ज़ा जैसी चीज़ों के पीछे ही भागते थे। वो तो उनमें डर बैठ गया कि ये खाएंगे तो हेल्थ खराब हो जाएगी। जेनेटिकली सबको ही ये चीज़ें ज़्यादा पसंद है। क्यों पसंद है? क्योंकि जब बहुत खतरनाक सिनेरियो था, अगेन प्री हिस्टोरिक टाइम्स में, तो जो लोग को पालक पसंद वाले जीन्स थे वो तो पतले दुबले रहेंगे, उनकी बॉडी में तो फैट इकट्ठा नहीं हुआ होगा, और खाने की बार बार कमी होती थी तो जिनकी बॉडी में ज़्यादा फैट नहीं है उनके सर्वाइवल के चांस कम हो गए, तो उनके जीन्स ट्रांसफर नहीं हुए। जो लोग को फैट इकट्ठा कर लेते थे वो लोग जब भी खाने की कमी हुई वो सर्वाइव कर गए, तो वही जीन्स आगे ट्रांसफर हुए। तो इट इज़ अ जेनेटिक थिंग दैट वी डू नॉट लाइक पालक टाइप ऑफ फूड, सलाद टाइप ऑफ फूड, एंड वी लाइक फैटी और मीठा और इस तरह के खाने, आइसक्रीम्स वगैरह, बिकॉज वो एनर्जी देता है, स्टोर करता है ज़्यादा, तो हमें लगता है ज़्यादा सर्वाइव कर जाएंगे। तो वो जेनेटिक रीजंस है, उसका कोई कुछ कर नहीं सकता। हाँ, विल पावर जरूर चाहिए होती है उसको ओवरकम करने के लिए, इसीलिए मैंने वीडियो का टाइटल रखा है सर्वाइवल ऑफ द फैटेस्ट, क्योंकि उस जमाने में फैटेस्ट ही फिटेस्ट था। अब चीजें चेंज हो गई, क्यों? आफ्टर डिस्कवरी ऑफ एग्रीकल्चर खाने की कमी तो रही नहीं दुनिया में, अब तो खाना सफिशिएंट मिलता है। अब यदि हम उस जेनेटिक पुश को फॉलो करेंगे तो तबीयत खराब हो जाएगी, क्यों? क्योंकि पहले भी मिलता था फैटी खाना, लेकिन वो फैटी खाना 4 दिन में 5 दिन में 6 दिन में एक बार मिलता था, अभी सुबह से शाम वही मिलता है। तो यदि अभी आप वो खाएंगे तो आज के एनवायरनमेंट में आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, क्योंकि अब आप इतना काम भी नहीं करते और खाते भी दिन में 3 बार है। ठीक उसी तरीके से आजकल की दुनिया उतनी डेंजरस नहीं रही है कि आपको इमीडिएट डिसीजंस लेने पड़े। आजकल की दुनिया में सर्वाइव या थ्राइव या प्रोग्रेस वो लोग ज्यादा करेंगे जो लोग रुक के सोच के समझ के डिसीजन लेंगे। लेकिन हमारी जीन्स कैसे पुश करते हैं हमें इमीडिएट डिसीजंस लेने के लिए, क्यों? क्योंकि रटना हमारे लिए उतना ही रिवॉर्डिंग है जितना आइसक्रीम खाना, जेनेटिकली रिवॉर्डिंग है। हमें ऐसा लगता है हमारे जीन्स हमें पुश करते हैं रटने के लिए। तो जब आप ये बात समझ लेंगे, जैसे आपने होपफुली ये समझ लिया होगा कि मैं सुबह से शाम आइसक्रीम या आलू के परोंठे या जलेबी या समोसे ये सब नहीं खा सकता, मुझे हेल्दी फूड भी खाना पड़ेगा मोस्ट ऑफ द टाइम, कभी कभी ये खा सकता हूँ, वैसे यदि आप जल्दी से जल्दी ये समझ लेंगे कि नहीं, मेरा दिमाग, मेरा जेनेटिक्स मुझे पुश कर रहा है रटने के लिए, पर रटना अब फायदेमंद नहीं रहा है, अब चीज़ों को सोचना समझना फायदेमंद रहा है, पर अपने आप को आप धीरे धीरे पुश करेंगे कि नहीं, जब भी मैं देखता हूँ तो मैं याददाश्त से रिजल्ट पे पहुँचता हूँ, ना कि लॉजिकली कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा। बार बार आप अपनी आदत डालेंगे कि लेट मी क्वेश्चन दिस कि वाई आई एम डूइंग दिस, व्हाट आर द स्टेप्स फॉर दिस, देन यू विल डू बेटर। नॉट बाय ये मान लेना कि जो आपने खटाक से सोच के डिसीजन लिया है वो डिसीजन लॉजिकली लिया है। ये मान लीजिएगा कि यदि आप जल्दी से कोई डिसीजन तक पहुंच रहे हैं इन द सिनेरियो ऑफ लर्निंग, खासकर नॉट इन एग्जाम बट इन द सिनेरियो ऑफ लर्निंग, तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपने बहुत सारे लॉजिकल जंप लिए होंगे। तो आदत डालिए जब भी कोई चीज जल्दी कंक्लूजन तक पहुंचे अपने स्लो माइंड को भी यूज करने की,
क्योंकि फास्ट माइंड जैसा डेनियल कैनमैन बताते, वो क्वेश्चंस को चेंज करने पे, वो लॉजिक को शॉर्ट कर, वो याददाश्त पे, इन सब चीजों पे रिलाय करता है। तो सोचिएगा इस बारे में, आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। आई होप आपको मजा आया होगा।